मकर वाले सुन रहे थे, ठीक है। कल तक मकरू लोग जितना चुपचाप सुन रहा था, कुछ बोलने का दम ही नहीं था, सब कुछ बेड़ा गलत हो चुका था, है ना। अभी तो बहुत दिन के बाद मकरू बोल रहा है, ठीक है। समझ में आ गया अभी, ठीक है। तो उसे बोलने दिया करो, थोड़ा सा गुस्सा उसे दिखा लेने दीजिए थोड़ा सा। 7.5 साल से बेचारा मकरू फटक के बैठा हुआ था, दुबक के बैठा था। अभी अभी पूरा मौका दीजिए कि बोल ले बेटा, बोल ले, अभी तेरा टाइम है मकरू। ठीक है, ठीक है। तो मकरू को बोला, पतिदेव मकरुदेव, मकरुदेव महाराज, अब तुम्हें पूरा मौका दिया जा रहा है, बोल जा, बोल जा, कितना बोलना है बोल दे, ठीक है। हाँ, वो चला गया तेरा डिप्रेशन का पीरियड, चला गया तुम्हारा मगजमारी, चला गया तुम्हारा जितना सारा 7.5 साथी का इम्पैक्ट इफेक्ट। अभी मकरू को बोलने देना चाहिए और प्रचंड रूप में बोलने देना चाहिए, क्योंकि आगे चल के फिर चुप हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बोल, उसको उसको मौका दीजिए, थोड़ा थोड़ा सा ना मकरू को जाके छोटा सा पीन लेके ना ठीक जगह में लेके फुड़क करके मार दीजिए, ठीक है। हाँ, मकरू को उछलने दीजिए उसको, ठीक है। ऐसे ऐसे पॉइंट निकालिए ताकि मकरू भड़ास निकाले। ये हरेक मकरा मकरू का पत्नी पति का कर्तव्य है कि इस समय मकरू को और साइलेंस देने नहीं है, उसके पेट के अंदर जितना कचड़ा पड़ा है, भड़ास पड़ा है, उसको उकरेत कुरेत के निकालना है, ठीक है, ताकि उसके अंदर जितना, हाँ, यू आर यू नो योर साइकोलॉजिकल डॉक्टर, देन आप बहुत अच्छा से समझते हो। नहीं, सांत नहीं होना है उसको, मतलब टेक्निकली, मतलब जिसको बोलते हैं ना कोल्ड ब्लडेडली मर्डर वाला बात है ना, कि आप कोल्ड ब्लडेडली आप जानबूझ के उसको गुस्सा दिलाओ मकरू को, मकरू गुस्सा करे, मकरू गुस्सा करेगा तो भपकेगा, भपकेगा तो बोलेगा, बोलेगा तो वो जितना ज्यादा बोलेगा उतना ज्यादा शांत हो जाएगा अंदर से, फिर वो जो कचड़ा है बाहर निकल जाएगा। तो आप जो पूछ रहे हो ना कि कब तक मेरा मकरू पति के साथ अच्छा संबंध हो जाएगा, आग नहीं लगाओगे तो फिर वो जलेगा कहां से, ठीक है। तो जलाओ आग, ठीक है, फर्नेस में डालिए। आप साइकोलॉजी डॉक्टर हो और हम आपको क्या समझाएं, ठीक है। पत्री का डॉक्टर है मैं, ठीक है। बिकॉज आप साइकोलॉजी फील्ड में हो ना, तो देखिए मैं योगिक साइकोलॉजिकल फील्ड में करीब करीब 25 साल काम किया योगा एंड साइकोलॉजी के ऊपर, तो हमारा थोड़ा सा स्पिरिचुअल डायमेंशन में रहता है, आप लोगों का साइंटिफिक डायमेंशन में रहता है। तो ये बड़ा जरूरी है किसी को भी साइकोलॉजिकली मतलब स्मूथ कैसे करना है, ठीक है। ये तो खाली सूट नहीं करता है, सुपर सूट करता है ना, क्योंकि यहाँ करियर में जब मल्टी प्लैनेट्स बैठ जाते हैं ना मल्टीपल लेवल पे, और इस प्रकार के, तो ऐसे लोग, आप जैसे लोग ना अंदर का मन को तुरंत भांप लेते हो और पढ़ लेते हो, ठीक है। ये कैपेसिटी तो इनबिल्ट आपके अंदर, बिकॉज केतु एंड द अदर कंजक्शन ऑफ प्लैनेट्स आर देयर, तो एकदम करेक्ट है, इसमें गलत नहीं है, और इसमें तो और आगे बढ़ना चाहिए उसके साथ। और मैं इतना कहूंगा कि बिकॉज ऑफ बुध इज देयर एंड शुक्र इज देयर एंड केतु एंड सूर्य इज देयर, सो आपको थोड़ा सा योगिक साइकोलॉजी के ऊपर भी काम करना चाहिए, ताकि आप और ज्यादा इसके ऊपर डीप में अंदर जा सकते हो।